दिल टूटे ना टूटे लेकिन इंडिकेटर जरूर टूटता है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड फॉर गाइड। मैं हूं शैलेंद्र और एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया लॉन्ग राइड स्टार्ट होने वाली थी लेकिन बाइक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी चीज़ को रिपेयर करवाने आए हैं। दिखाते हैं आपको क्या मेजर पार्ट चेंज होने वाला है। अमन मोटर है, सर्विस सेंटर बजाज का ऑथराइज, वहीं पर आए हैं, तो दिखाते हैं अभी आपको। काम शुरू होगा तो और वन बाई वन आपको सारे पार्ट दिखाएंगे। ये जितनी भी सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं अपनी आने वाली राइड के लिए कर रहा हूँ ताकि बाइक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाइक लग चुकी है सर्विस सेंटर पर और इधर भी एवेंजर ही बन रही है, इधर भी एवेंजर ही बन रही है। तो अभी तो फिलहाल इंजन ऑयल निकाला जा रहा है, देखा जा रहा है कितना ऑयल निकलता है, क्योंकि इसमें जो इस बार काम होगा वो है रिंगों का, जिसमें जो रिंग पड़ती हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से जो हो कह रहा है कि इंजन ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, तो वही चेक कर रहे हैं कि कितना निकलता है। तो अभी देखिए सारी सीट वीट खोल दी गई है और अभी टंकी खोली जाएगी। सारा बहुत ही लंबा और बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है ये जो अभी काम होने जा रहा है, मतलब पूरा पहले ऑल द वे इसको खोला जाएगा, फिर इसको सही करा जाएगा, उसके बाद सब लगाया जाएगा। तो अभी सब कुछ खोल दिया गया है, नट वगैरह निकाल दिए गए हैं, अब ये सब सारे बोल्ट निकाल के ये हेड खोला जाएगा, पिस्टन रिंग चेक किया जाएगा। अभी सारा सब कुछ खोल खाल दिया गया है, ये देख सकते हो साइलेंसर वगैरह सब कुछ खोल दिया गया है। तो ये आप देख रहे हो ये जो है वॉल्व होते हैं ये, और ये देख सकते हो कितना सही है कंडीशन में, इसका मतलब ये होता है कि माइलेज अच्छा दे रही है। ये देख सकते हो आप ये, और इस पर जो है कार्बन जमा है, तो पिस्टन भी थोड़ा सा कटा है, तो मेरे ख्याल से लॉकेट चेंज होगी पूरी, ये पूरा चेंज होने के चांसेस हैं। अगर ये चेंज करवाएंगे तो ये होगा पूरा पूरा, ये 3000 के आसपास का है, अदरवाइज रिंगे चेंज करवा के देखेंगे तो भी बाद में पिस्टन का काम होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि पिस्टन थोड़ा कट चुका है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा पिस्टन कट चुका है, तो चांस ना लेते हुए पूरा ब्लॉकेट चेंज कराएंगे। अभी जो इसका जो पार्ट है वो अवेलेबल नहीं है, मुझे बाइक छोड़कर यहाँ पर जानी पड़ेगी, तो आपसे जो मुलाकात होगी हम अगले दिन करेंगे। गाइस वेलकम बैक, और आज फिलहाल जा रहे हैं, कल मैंने अपनी बाइक दी थी, अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, और मैं वापस आ गया था उसके बाद, और आज बाइक डिलीवर होगी। अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है, उसी के साथ जाऊँगा, तो देखते हैं, मैं शायद ऑन द वे है, चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर पर। काम ऑल दो नहीं हुआ है बट मैं अपने सामने काम करवाऊंगा, उसी जल्दी जा रहा हूँ। निकाल लो, इधर ही निकाल, आगे से निकाल लो सीधे बाहर, फॉरन में भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो अभी आ गया सुमित मेरे साथ मुझको लेने, और काफ़ी दिन बाद ब्लॉग में आया है आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक का जो काम होना है मेरी एवेंजर का, तो जा रहे हैं सर्विस सेंटर पर। आ गए हैं सर्विस सेंटर पर और देखते हैं काम कितना शुरू हुआ है कितना नहीं शुरू हुआ है। जी हाँ, समझ गए होगे कि क्या काम हो रहा है, ये है पिस्टन बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220 का, और यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है, ये कार्बन, और ये जो आप देख रहे हो ये है नया, ये काली खोल रहा है, अनबॉक्सिंग हो रही है, ये है पूरी ब्लॉकेट जो कि पड़ी है 2650 की। ब्लॉकेट कितने की? 2650। और काम शुरू हो चुका है, और जैसे कि मैंने बताया ब्लॉकेट पड़ी 2650 की, और वही एक दो तो घंटा लग जाएगा उसको पूरा प्रोसेसिंग में। ये टाइमिंग चेन गाइड बोलते हैं इसको, और आप सोच रहे हो ये मेटल का है, तो मेटल का नहीं है, ये रबर का है। दिल टूटे ना टूटे लेकिन इंडिकेटर जरूर टूटता है।
हमारे सुमित भाई ने भी ब्लॉग शुरू कर दिया है और आजकल राइडिंग वाइडिंग भी शुरू कर दी है। इसका जो न्यू इंडिकेटर है वो है 359 का, मतलब रियर वाले। तो सारा काम ऑलमोस्ट हो रहा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं जो बेसिकली मैकेनिक लोग ही जानते हैं। तो ये असेंबली गियर है, ये भी चेंज हुआ है, ये कुछ तो काम करता है, हम मुझको नहीं पता क्या काम करता है। थोड़ा कट चुका है, 3-4 साल होने के बाद बाइक में डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है, वियर एंड टीयर होता रहता है। सारा सेटअप हो गया है बाइक का, बस अब जो है उसका एग्जॉस्ट पाइप लग रहा है, मतलब साइलेंसर लग रहा है, सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है। अभी इंजन ऑयल डालना है, अभी इस बार बजाज का ही पड़ेगा 20W50 और 500 किलोमीटर तक जो है 50-60 किलोमीटर तक की स्पीड पर ही चलाऊंगा मैं इस पर। अभी इसमें जो इंजन ऑयल डाला जा रहा है बजाज का 20W50। बाइक हो चुकी है रेडी, पूरी सेट है, बहुत अच्छी आवाज़ आई, सुपर सुपर। तो बाइक का सारा काम हो चुका है, बाइक में जो अब जो साउंड आ रही है, जो पावर आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। पूरा इंजन रिफाइन हो चुका है। यहाँ ब्लॉकेट नहीं पड़ी है, तो ब्लॉकेट में पिस्टन और रिंगे सब इंक्लूडेड होती हैं। उसका जो प्राइस था वो 2650 था और जो नई MRP है उसका प्राइस अलग है। अगर आप मुझसे पूछोगे ये आपको सस्ता कैसे मिला, तो ये ओल्ड MRP का ब्लॉक कितनी, अभी देखते हैं कितने का बिलिंग आई है। लगभग 4,500 के आसपास का जो है टोटल खर्चा आया होगा, लेबर चार्ज मिलाकर मेरे ख्याल से 4,500 के आसपास गया। देखते हैं कितना डिस्काउंट देते हैं ये लोग इस बारे में। तो बाइक का काम हो गया है, लगभग 5,170 रुपये का बिल आया है। बहुत सारी चीज़ें थी लाइक कि इंडिकेटर, ब्लॉकेट, पैकिंग, असेंबली गियर और लेबर चार्ज मिला के। लेबर चार्ज मुझको पड़ा है तकरीबन देखा जाए तो 800 रुपये। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे आ रहा होगा। ब्लॉग को करते हैं पर खत्म। आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा जो ये नया लुक है ये भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट करते हुए जाना, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, बाय बाय।